लेकिन जो दवा का छिड़काव होना चाहिए बागवानों में वो नहीं हो पा रहा है। दवा के छिड़काव की वैज्ञानिक जानकारी देने की और छिड़काव में सहयोग करने की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, कृषि अनुसंधान केंद्र की है। दुर्भाग्य है कि 2003 में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई और स्थापना होने के बाद अब तक लीची अनुसंधान केंद्र किसानों को किसी तरह का लीची के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए या इसके कीट नियंत्रण के लिए, टॉप बोरर के नियंत्रण के लिए कोई किसी तरह का सहयोग नहीं कर सका, इस पर अनुसंधान नहीं हो सका। मैं बार बार जब भी बैठक हुई है किसानों की, लीची अनुसंधान केंद्र में हो या हॉर्टिकल्चर मिशन के पटने में बैठक होती हो या दिल्ली में मैं जब कभी जाता हूँ, मौका मिलता है तो मैं इस बात को उठाता हूँ कि इंटोमोलॉजी सेक्शन जो है या तो हॉर्टिकल्चर का या ICR का जो काम जिम्मेवारी से करना चाहिए उसे नहीं किया। उत्पादन लेने की लीची के पौधा को किस तरह से लगाया जाए, लीची के को कैसे सिंचाई किया जाए, अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी जानकारी हमको अनुसंधान केंद्र से नहीं लेनी है। इसलिए नहीं लेनी है कि लीची का इतिहास मुजफ्फरपुर में और बिहार में 200 वर्ष पुराना है और इसका वैज्ञानिक विधि लगाने का, पानी पटाने का, नर्सिंग करने का, उत्पादन लेने का, इसमें हमको सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये बात लगा हम लोगों को बता चुका है जो हम कर रहे हैं। मुझको जो वैज्ञानिक सहयोग चाहिए दो चीज में चाहिए, एक तो इसका टॉप ऑर्डर जो लगता है जिससे भारी नुकसान हो रहा है, 10,000 करोड़ का नुकसान इस बार भी टॉप ऑर्डर लगने से किसानों को और व्यापारियों को इसमें हुआ है। दुर्भाग्य है कि मैं सिर्फ मुजफ्फरपुर का आंकड़ा देता हूँ, मुजफ्फरपुर आइए, आइए प्रेम, सबसे बड़े किसान हमारे मुजफ्फरपुर के लीची के बाद